हेलो। यस सर, देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हम यूज करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। तो वो फंक्शन होगा जो सेट ए से बी में अगर फंक्शन एफ डिफाइंड होता है तो इनवर्स फंक्शन उसे बोलते हैं जो सेट बी से ए में डिफाइन करें। अब इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये आती है कि कब हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन को अपनी डेफिनेशन मेंटेन रखनी है। अगर आप चाहें सेट ए से बी में डिफाइन करना या बी से ए में, कैसे भी डिफाइन कीजिए, लेकिन फंक्शन चाहे डायरेक्ट फंक्शन हो या इनवर्स फंक्शन हो, फंक्शन इनवर्स फंक्शन भी फंक्शन ही है, तो वो अपनी इनवर्स फंक्शन होने की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। यानी कि सेट बी के सभी एलिमेंट्स की सेट ए में इमेज होनी चाहिए। तो अब इसके लिए जब आप ए से बी में कनेक्शन चाहते हैं और बी से ए में भी चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये आती है कि फंक्शन शुड बी द बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा, जबकि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन गिवन है, सो दैट फंक्शन शुड बी द वन वन ऑन टू फंक्शन। मान लीजिए ये सेट ए है, ये बी है, तो सेट ए से बी में अगर हमने डिफाइन किया है तो सेट ए से बी में इस तरह से डिफाइन कर दिया, ये सारे पांच एलिमेंट्स हैं, उसकी इमेज इधर है। तो हम उल्टा अगर ऐसे भी डिफाइन करना चाहें बी से ए में, तो भी उनके पांच के लिए पांच एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर एक में भी एलिमेंट कम ज़्यादा होंगे तो इधर वाला फंक्शन या उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, वो अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो जब फंक्शन ही नहीं रहेगा तो हम उसका इनवर्स तो बाद में निकालते हैं, पहले हम किसी फंक्शन में ही देखना पड़ता है कि वो इनवर्ट फंक्शन होने की जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बन गई वो यही है कि दैट फंक्शन शुड बी द बाइजेक्टिव फंक्शन। मीन्स आप ए से बी में डिफाइन कर लो या फिर बी से ए में डिफाइन कर लो। तो मतलब इन पांच एलिमेंट्स के लिए दूसरे पांच एलिमेंट्स चाहिए, सेट ए सेट बी। तो इस तरह से ही पांचों पांच रिलेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर टू गेट द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन शुड बी द गिवन फंक्शन शुड बी द बाइजेक्टिव फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन विद वन एंड ऑल ऑन टू ऑल्सो। तो वन 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 होगा और ऑन टू होगा, तो दैट मीन्स इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सेट ए में और बी में दोनों में इक्वल एलिमेंट्स होते हैं उसमें, तो आप चाहें तो सेट ए से में बी में डिवाइड कर लो या बी से ए में कर लो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। दोनों साइड जो है फंक्शन जो फंक्शन होने की अपनी कंडीशन है उसको मेंटेन करेगा। तो हम नेक्स्ट जो ये लेने जा रहे हैं दैट इज द इनवर्स ऑफ है फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखिए सेट ए से बी में डिफाइन हो रहा था फंक्शन एफ, सो लेट्स से दिस इज सेट ए बी एंड फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए टू बी। सो इफ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन द फंक्शन विच डिफाइंस फ्रॉम सेट बी टू ए विल बी नोन एज द इनवर्स ऑफ दैट। सो सीधी बात है कि अगर इसको अगर हम जी फंक्शन से भी लिख दें, ये जी फंक्शन लिख दे, जी ऑफ एक्स लिख देता है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है। सो इफ एफ एक्स बी बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी, देन देन द फंक्शन फंक्शन जी जी एक्स डिफाइंड फ्रॉम सच दैट बी टू ए इज कॉल्ड
is called inverse of f. That is gx is f inverse of x, यही होगा. और जो gx function होगा वो क्या होगा, ये मतलब क्योंकि ये function f है तो ये इसका inverse होगा, and that is also known as the f inverse of x. तो वो हम direct भी यहाँ पे भी लिख ही रहे, तो इस case में gx function बन जाएगा, that will be the inverse of x. And the most important requirement is this bijective function. F should be bijective function. Fx should be the bijective whose inverse is to be find out. और जब हम उसका inverse निकाल रहे हैं और उसको हम gx नाम दे रहे हैं, ठीक है gx नाम दें, लेकिन वो actual में होगा क्या, वो f inverse x होगा. उसकी naming different कर दी है, gx बोल रहे हैं उसको, लेकिन वो है क्या, f inverse of x है, ठीक है ना. इसके बाद में हम ले लेंगे इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ, उन रिजल्ट्स को यूज करके देन विल कम टू द क्वेश्चंस. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और उन प्रॉपर्टीज में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वही आती है जो मैंने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है क्यों वो उतना ही बनता है. तो उस समय मैंने आपको बोला था कि ये सारी चीजें हम इनवर्स में समझेंगे कि व्हाई द ग्राफ इज लाइक दैट. इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स. नंबर वन पॉइंट, नाउ इनवर्स इज अ यूनिक, ठीक है इनवर्स यूनिक होगा. Inverse of bijective is unique. वो यूनिक ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई चांस ही नहीं बचा है, बिकॉज फंक्शन बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव है मीन्स वन वन ऑन टू है, सेट ए से में डिफाइन किया तो जो फंक्शन होगा सेट ए में जो एलिमेंट्स होते हैं उस वो उसके डोमेन बनते हैं, बी की बी वाले एलिमेंट्स रेंज बनती है. जब आप बी से ए में डिफाइन करते हो उल्टा, तो जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो डोमेन बन जाते हैं और इधर वाले सारे रेंज बन जाते हैं, रेंज बन जाएंगे. और इस तरह से फिर कंडीशन ये बन जाती है कि इट्स अ यूनिक फंक्शन. सो व्हेन एनी यू आर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ एनी बाइजेक्टिव एंड दैट इज सर्टेनली है ना यूनिक फंक्शन. सो ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड ये है कि अगर हम फंक्शन इसमें लेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर इसको हम एक्स लिखते हैं और इसमें फंक्शन एफ एक्स आ जाता है और दूसरा जी फंक्शन इधर डिफाइन करते हैं, जी जो कि उसका इनवर्स है, जी एक्स हम इसको बोल रहे हैं जी एक्स. तो अभी मैंने लिखा था कि एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एफ एक्स है और इसको हम इस तरह से लिखेंगे जी एक्स, सिंस जी एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स. तो ये जो फंक्शन है इनवर्स इस पे लगेगा तो एफ लगेगा, तो इसको हम एफ ऑफ जी एक्स बोल देंगे, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स बचेगा. अब देखिए एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया, एक तरह का आइडेंटिटी फंक्शन हो गया. और यहाँ पे जो एफ ऑफ देखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स देखेंगे, आप ये चीज चेक कीजिए कि जो जी एक्स है वो जी एक्स पूरा जो जी एक्स क्या रेंज थी इस फंक्शन की, जी एक्स बनने वाला जी एक्स इसमें था, एफ एक्स है एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स क्या है जी एक्स, ये इसकी वैल्यूज है, हम जी एक्स को इस तरफ डिफाइन कर रहे हैं. तो दिस विल बी द आइडेंटिटी फंक्शन. यहाँ हम देख पा रहे हैं दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज ए इक्वल्स टू एक्स. तो ये तो फंक्शन वाई की तरह से लिखा जाता है, ठीक है. सो इसको हम लिखते हैं दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट बी. वाई, बिकॉज ये यहां से एलिमेंट लेके जाएगा, एंड आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी का मतलब हुआ इट इज फ्रॉम, क्योंकि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन बनेंगे और बी से ए में जाएगा एंड वाई इक्वल्स टू एक्स होगा. तो देखिए ये चीज होती है,
ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है जब एक्स बचता खाली, और जब हम ऐसा लिखते ही आ रहे हैं वाई इक्वल्स टू एक्स, क्या होता है वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई को हम एफ एक्स बोलेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। किसी दूसरे केस में बता रहा हूँ कि जो एफ एक्स लिखते हैं दैट इज फॉर द आइडेंटिटी फंक्शन, उसको हमने यहाँ पे आई एक्स करके, आई एक्स करके इस तरह से डिनोट किया था। आइडेंटिटी ऑफ एक्स इज गिवन बाय द इक्वल्स टू एक्स, बेसिकली इट इज वाई इक्वल्स टू एक्स, राइट? सो इट इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ द सेट बी। इसी तरह से हम एफ ऑफ जी एक्स किया तो भी वही मिला, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट बी मिला। अगर हम जी ऑफ एफ एक्स करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स करेंगे तो भी हमें एक्स मिलेगा, क्योंकि ये 1:1 बाइजेक्टिव कनेक्शन है, तो दोनों को आइडेंटिटी फंक्शन ही होना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो हम चाहे इनवर्स ऐसे करें या जी ऑफ एफ एक्स करें, तो इसको भी क्या है? लिखा जा सकता है दैट कैन बी रिटन एज जी ऑफ एफ एक्स एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये जो बनेगा ये आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स का बनेगा, तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ द सेट ए, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है एफ एक्स की, ये डोमेन प्लेस करेगा जी फंक्शन में, ठीक है ना? यहाँ पे जी था, ये सेट बी का था, जी एक्स इसकी वैल्यू थी, तो इट इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी एंड इट विल बी द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ द सेट ए, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जब एक दूसरे का फंक्शन इनवर्स होता है देन एट दैट टाइम यू कैन राइट द एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये इसमें लिख सकते हैं। एंड क्योंकि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के आपस में इनवर्टिबल इनवर्स हैं, और हम उसको इस नंबर को जो कि इनवर्स है अगर इस पे लाएंगे तो एफ ऑफ जी एक्स बनाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स। ऐसा ही इसका उल्टा भी होगा, जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स ही बनाने वाला है, राइट? तो ये एक प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद में हम लिखते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड प्रॉपर्टी हम लेंगे इसकी, दैट मीन्स द रिवर्सल लॉ। और रिवर्सल लॉ क्या कहता है, ये कई जगह अप्लाई होता है। मैथ्स में कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटल हैं तो वो हर जगह यूज होती हैं। मैट्रिक्स में भी यूज होता है, मान लीजिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आप रिवर्सल लॉ ये यूज करते हैं, ए बी सी का जो टोटल इनवर्स लिखेंगे सो दैट कैन बी रिटन एज सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। रिवर्सल मीन्स इनवर्स जो कर रहे हैं, इनवर्स कर रहे हैं, ये मैं मैट्रिक्स की बात बताने लगा यहाँ पे, राइट? मैट्रिक्स में ये होता है ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट है, इनवर्स कर रहा है तो वो लिखेगा रिवर्स करके, उनको इनवर्स करके लिखना होता है दैट कैन बी रिटन सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऐसा ही एग्जैक्टली रिवर्सल लॉ चलता है आपका ट्रांसपोज पे, वो भी हो जाता है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी सेम वही रिवर्सल लॉ है। एंड सेम रिवर्सल लॉ अप्लाइज हियर इंटू द इनवर्स। तो देखिए इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में फंक्शन होंगे, राइट? सो रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मान लीजिए एफ ऑफ जी एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, सो इसका हम इनवर्स करना जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। उल्टा चलेगा क्योंकि ये जो कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स है, तो आप जी एक्स को पहले लिखेंगे, इनवर्स लेंगे तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स आएगा। इसी तरह से इसमें भी लिखा जा सकता है, अगर जी ऑफ एफ एक्स हो, जी ऑफ एफ एक्स हो तो उसको उस पे टोटल पे इनवर्स अगर लगा देगा सो दैट कैन बी रिटन एज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। मीन्स दिस इज द, इसको थोड़ा और मैं क्लियर लिखूं, इसका मतलब ये होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए इसको ऐसा भी देख सकते हैं आप, ये जी इनवर्स एक्स फंक्शन है और उस पर फंक्शन लगेगा, मतलब वो एफ इनवर्स ऑफ
ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स लगने वाला है। ओ आप कभी भी लिख सकते हैं, जब ओ ये हटाते हैं तो इस जगह हम ऐसा इस तरह से यूज कर लेते हैं। ये आपके समझने के लिए नोटेशंस हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन जनरल लिखना चाहें, इन जनरल सपोज एफ वन ऑफ एफ टू ऑफ एफ थ्री ऑफ एफ फोर ऑफ एफ फाइव, ये इस तरह से चलता रहा है, एफ एन ऑफ एक्स है, एन फंक्शंस का कंपोजिट है और इसको आपने इन्वर्स कर दिया, देन लास्ट वाला पहले आ जाएगा, एफ एन इन्वर्स ऑफ एफ एन माइनस वन इन्वर्स ऑफ, एंड लास्ट में हम इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा डैश डैश लगा दें, दैट इज द एफ थ्री इन्वर्स ऑफ एफ टू इन्वर्स ऑफ एफ वन इन्वर्स ऑफ एक्स। सो दैट दैट बिकम्स द रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ लगेगा और यहाँ से इन्वर्स से उल्टा कंपोजिट फंक्शन बनाएगा। इन्वर्स फंक्शन का कंपोजिट होगा रिवर्सल डायरेक्शन में, उल्टा करके उसको, दैट इज नोन एज द रिवर्सल लॉ। ये रिवर्सल लॉ आपको मैंने बताया मैट्रिक्स में भी यूज होता है, मैट्रिक्स में यूज होता है उसका इन्वर्स करने में और ट्रांसपोज करने में। एबीसी है, एबीसी तीनों मैट्रिसेस है, मल्टीप्लाई करेंगे, एबीसी का ट्रांसपोज होगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लगेगा उल्टा करके। ठीक है, इसी तरह से एबीसी तीन मैट्रिक्स है उस पर इन्वर्स लगेगा, एबीसी टू द पावर माइनस वन, माइनस वन मीन्स दैट इज द इन्वर्स, सो दैट कैन बी रिटन एज सी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट, ये रिवर्सल लॉ है, ये कई जगह काम करता है, फंक्शंस में भी, सेट में भी काम करता है, सो इट्स अ बेसिक लॉ इन मैथमेटिक्स इज द रिवर्सल लॉ। इसके बाद हम बात करेंगे वही पॉइंट जो मेन, कि जो इन्वर्स होता है वो पॉइंट क्या होता है, कि वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बनाता है। सो अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हम साइन एक्स का ग्राफ लेंगे, मैं दो ग्राफ पे प्रैक्टिकली पहले हम लोग एग्जांपल लेके उसमें बात करेंगे, फिर उसको हम जनरल फॉर्म में लिख देंगे कि क्या होता है। चाहे तो हम लॉग का ग्राफ ले सकते हैं, पहले देखिए आप इसको, हम जब देखते हैं लॉग एक्स का ग्राफ है, दिस इज द लॉग एक्स ग्राफ एंड वी नो दैट a to the power x, and what is there, a to the power x का ग्राफ ये वाला होगा, and this lies at the 1 0 and this is at the 0 1, right? और इसके लिए मैंने एक चीज बोली थी आपको कि ये बताया था कि y equals to log x to the base a और y equals to a to the power x, ये दोनों functions एक दूसरे के invertible होते हैं, वो चीज आज हम देख लेंगे। और जब भी कोई इन्वर्स फंक्शन बनता है तो वो y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेता है, राइट? सो एनी इन्वर्स फंक्शन, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनी इन्वर्स फंक्शन टेक्स एनी इन्वर्स फंक्शन ग्राफ takes reflection about y equals to x line। तो देखिए वो y equals to x line के अबाउट वो उसका रिफ्लेक्शन लेगा और इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब इसको मैं अभी इसको प्रूफ करूंगा कि ये फाइनली किस तरह से इसका इनवर्स क्यों बन जाता है, ठीक है ना? तो उसको हम अभी लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यही डिस्कस करेंगे। सी हियर इज द स्पेलिंग मिस्टेक, हियर रिफ्लेक्शन लिख लीजिए आप, गलत हो गया यहाँ पे, इंग्लिश का भी ध्यान देना जरूरी है, राइट? सो एनी इनवर्स फंक्शंस ग्राफ टेक्स द रिफ्लेक्शन अबाउट द y इक्वल्स टू x लाइन, वो y इक्वल्स टू x लाइन की वो रिफ्लेक्शन लेता है उसके। अब देखिए यहाँ जो इन्वर्स, मैं इस फंक्शन का इन्वर्स दिखाऊंगा आपको कि ये रहेगा, तो इसमें अभी हमने मेथड नहीं देखा है, लेकिन आप इस चीज को यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि
इनिशियली प्रॉपर्टीज मेंशन करना जरूरी है, फिर हम इसके वर्किंग मेथड पे आएंगे कि हाउ टू गेट द इनवर्स ऑफ एनी गिवन फंक्शन, तो उस पर भी आएंगे। यहाँ पे ऐसा लिखना होता है कि ये log x बेस है इक्वल्स टू y, x को y के टर्म्स में लिखना होता है, तो x इक्वल्स टू a टू द पावर y हो जाएगा। अब देखिए अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू y लिख लीजिए जनरल में, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू y है तो जो इनवर्स होगा इसका यहाँ पे x हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये जो f है इस पे जाएगा, तो f इनवर्स y बनाएगा, f x इक्वल्स टू f इनवर्स y होगा। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह f इनवर्स y प्लेस कर देंगे, एंड x इक्वल्स टू f इनवर्स y इक्वल्स टू a टू द पावर y, और यू कैन सी दैट f इनवर्स, अब ये वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल y के लिए यहाँ डिफाइंड हो रहा है, चाहो तो इसको आप x के लिए लिखो, t के लिए लिखो, p के लिए लिखो, किसी भी वेरिएबल के लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन हमने बना दिया ये, तो उसको क्या करते हैं जनरली, क्योंकि हम x वेरिएबल में ही सभी वेरिएबल जो फंक्शंस हैं उनको x वेरिएबल से ही ज़्यादा अच्छा लगता है लिखते हैं, तो इसलिए इसको x के लिए वापस लिख देंगे। यहाँ वो कोई नई बात नहीं है, ये वाई की जगह वेरिएबल x चला दिया, इस जगह t लिख सकते हैं, इस जगह p लिख सकते हैं, चाहे जो वेरिएबल लिख दें आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज द इनवर्स फंक्शन एंड यू सी हियर द वाई वैल्यू, इसको वाई नहीं बोल करके यहाँ जी जी एक्स बोल सकते थे, इनवर्स है, तो दिस इज एफ एक्स, यू कैन से दिस इज द एफ एक्स फंक्शन एंड दैट फंक्शन जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ दैट, तो ये प्रॉपरली जो है एफ इनवर्स एक्स इसका बना एंड दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। सो दिस इज कन्फर्म, this properties to be remembered is that any function is given and you find out the inverse of that, that inverse of the function takes the reflection about the y equals to x line, to wo hamesha y equals to x line ke about uska reflection leta hai aur is tarah se hame uska inverse isme milta hai, theek hai। ab jaise ek aur example hum set kar lete hain, ye aapka chali log ka tha, अगर मैं बात करूं उसकी साइन एक्स के ग्राफ की, हालांकि वो पूरा हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो छः ग्राफ हैं, छः के छः ग्राफों के उसके इनवर्स हम निकालते हैं, साइन इनवर्स एक्स निकलता है ग्राफ, और वाई इक्वल टू साइन एक्स हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो उस पर हम काम करेंगे। अब देखिए क्या होता है उसमें, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से चलता है, साइन एक्स का ग्राफ ये आता है, और यहाँ पे एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है, हमने बोला कि दैट फंक्शन शुड बी द बाइजेक्टिव फंक्शन, वन वन ऑन टू होना चाहिए इन्वर्ट करने के लिए, तो वो पूरा हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टॉपिक समझेंगे उसमें ये करेंगे कि हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज, अगर कोई फंक्शन मैनी वन फंक्शन भी है हम क्या कर लेंगे उसको, उसको उस उतनी वैल्यूज के बीच में सेट करना है जहाँ पे कि वो वन वन ऑन टू है। तो इसमें आप देखिए साइन एक्स में अगर मैं इसके ग्राफ को आगे बढ़ाता चला जाऊँ तो ये तो मैनी वन है, इट इज़ अ परफेक्ट मैनी वन फंक्शन बिकॉज इट इज़ एन अ पीरियडिक फंक्शन, सो फॉर द मैनी वैल्यूज ऑफ द एक्स देर इज एन अ सिंगल वैल्यू ऑफ वाई, उसका मेथड हमने पढ़ा था, यू जस्ट ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, if it cuts at the more than two points then it will be known as the it is a many one function, to ye to perfect many one function hai, sare periodic function many one function hote hain, theek hai na, to hum chahte hain ki iska hum inverse kar dein, trigonometric function ka inverse kar dein, to uske liye condition aa jati hai, hum ye dekhte hain ki principal values matlab jo range hai uski puri range wo x के किस इंटरवल के बीच में ले रहा है, सो वो इंटरवल क्या है यहाँ पे, वो देख रहे हैं आप यहाँ पे पाई बाई टू से पाई बाई टू पे मैक्सिमम ये वन ले लेता है और माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन ले लेता है, जीरो माइनस वन यहाँ कोऑर्डिनेट बनेगा, तो हम इस पूरे पार्ट को हटा देते हैं आगे का, हम देख रहे हैं कि ये कंप्लीट रेंज अपनी ले चुका, किसमें कंप्लीट रेंज ले चुका इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में, ठीक है ना, तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज है माइनस पाई बाई टू है, तो
तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि y cos 2x लाइन ही है, y cos 2x लाइन की अबाउट इसको इनवर्स दिखाना है, ठीक है। तो वो होगा ये कि आपने ग्राफ बनाया इसका और y cos 2x लाइन ये ले लेंगे, y cos 2x लाइन ये, और जब ये रिफ्लेक्शन लेगा ग्राफ तो देखिए ये फ्लैप यहाँ आएगा और ये इस तरह से जाएगा और ये लाइन, ये वाला जो फ्लैप इधर घूम रहा है, इसका मुंह इधर घूम रहा है, वो इस तरफ आ जाएगा। तो मैं इस सिचुएशन को, इसका जो इनवर्स है, इस वाले इस डायग्राम में दिखाना चाहूँगा आपको कि ये चीज़ यहाँ से चालू होगी, ये ऐसी होगी और इस तरह से बनेगा। और यही आपको मालूम है कि हम इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट लाइज बिटवीन, होगा क्या कि जो डोमेन है, डोमेन रेंज की जगह चला जाएगा एंड दिस इज 0π/2, 0 -π/2, और डोमेन जो रेंज है, रेंज इसकी डोमेन बन जाती है इनवर्स फंक्शन में, एंड दैट बिकम्स द 1 0 एंड दिस इज -1 0। सो दिस इज द यू कैन से द साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्राफ। और ये जो ग्राफ बना था ये साइन एक्स का ही था, बट दिस ग्राफ इज इन इट्स principal values, in between the principal values, because we know that if the graph is drawn between the principal values, it is the bijective function. So it is 1 1 on 2 function, and first you have to convert the given function into the bijective function, then only you can find out the inverse of the function. So we have created the principal values for the sine x function, and then we can draw the inverse of that, right? And inverse we know that is always it take the reflection about the y equals to x line. So we are finding the inverse, and by just taking the reflection of that function, and we see that this is the inverse of the graph, right? ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, इस तरह से सारे functions के inverse निकाले जाते हैं, चाहे वो trigonometric है, trigonometric के inverse ज़्यादा हम use करते हैं, पूरा topic ही है, ITF है, inverse trigonometric function, उसको हम लिखते ही हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा जिसमें इनवर्स निकालना रहेगा, और उससे भी पहले वर्किंग मेथड हम समझेंगे। हालांकि कुछ पार्ट मैंने वर्किंग मेथड का यहाँ बता दिया है, ये आप देख रहे हैं ये वर्किंग मेथड ही यूज़ हो गया इधर, लेकिन फिर भी हम उसको बिल्कुल आइडियल वे में लेते हैं। वर्किंग मेथड 2 find out inverse of bijective function, ये लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। bijective function मतलब जो function होना चाहिए bijective ही होना चाहिए, तो उसके लिए उसका inverse निकालने के लिए हम working method use कर रहे हैं। let y equals to fx be given function, तो यहाँ पे आप ये लिख लेंगे। सो देखिए इनवर्स यही है कि x है, x की वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y, सो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये लिखा है तो मैंने ये लिख दिया, हो सकता है ऐसा, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू इधर जो भी आएगी y के टर्म्स में आएगी, है ना, और फिर put f inverse y in given function, ये तो मैंने यहाँ डायरेक्ट करके लिखा है, आप बोलेंगे ये सेम चीज यहाँ पे, वो एक्चुअल में एक्सप्रेस कर रहे थे हम यहाँ पे, वी आर एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, फंक्शन भी सेम करके दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स होगा, तो इसका जो इनवर्स है इसमें वाई होगा, राइट। तो पहले क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो आएगा साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई, सॉरी इसको एफ एक्स लिखा है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा है, तो एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई,
ठीक है बिल्कुल, x इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y, और फिर हमने बोला नेक्स्ट कि x की जगह f इनवर्स y लिख दें, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि f इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स y लिख देंगे। अब ये यहाँ पे तीन ही स्टेप में ये पूरा काम हो जाता है। फिर बोला है हमें क्या करना होता है, फिर वेरिएबल चेंज करना होता है। वेरिएबल चाहो तो t लिखें, p लिखें या x लिखें, क्योंकि सारे इनवर्स फंक्शन भी x के फॉर्म में लिखे हैं, तो यहाँ हम y को x की जगह चेंज नहीं कर रहे, मतलब वो फंक्शन बन चुका है इनवर्स, सो यू कैन एक्सप्रेस इट इन एनी वेरिएबल, राइट? सो वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन टू द x variable, so that can be written as f inverse x, and that will be equal to sine inverse of x. Now see how we get the inverse of the function. So यहाँ पे भी यही put करेंगे, put x equals to f inverse y in the given function, and fourth ये है express the inverse function. इनवर्स फंक्शन फॉर वेरिएबल एक्स, मतलब लास्ट में आपने जैसे ये एफ इनवर्स वाई था, वाई के लिए था, चाहो तो एक्स के लिए लिख लो, ये कोई जरूरी नहीं है ये लिखना, लेकिन हम ऐसा लिखते हैं मेथड में, लिख लेते हैं साफ साफ, जिससे कि उसको फाइनली वाई वेरिएबल नहीं दिखाते हुए एक्स के फॉर्म में दिखा दें। ठीक है, अब इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ इसके इनवर्स के। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ये सीखने का भी है, इसमें जरूरी है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने किया हुआ हो, तो ही फिर वो उसको, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को हमने वर्कआउट करना जरूरी होता है उस पर, मतलब उसको आप उस सॉल्व करके देखा हुआ हो तो अच्छा रहता है, मतलब उससे एक अलग टाइप की लर्निंग आती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू लॉग a बेस x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या पॉइंट रहेगा, हमें x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, वो तो मुझे दिख नहीं रहा कि हो पाएगा ऐसा। ठीक है, तो इस पर एक काम करेंगे, पहले इसको एंटी लॉग लेंगे, और यू कैन राइट द इसका इनवर्स निकाल रहे हैं, इसको आप ऐसे आगे लिख लीजिए, पहले log a x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y लिख देंगे, लेट्स से इक्वेशन 1, सो x plus under root of 1 plus x square is a to the power y equal to this. So this is equals to a to the power y. Iska anti-log le liya. Let's say it is a real first equation. Right. Ab ek kaam karenge. Isko hum isko rationalize kar lenge. So rationalize karenge tab kya aega? X plus under root of 1 plus x square. Ya aisa kijiye. Isko pure ko invert kar denge. इन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, और यू कैन राइट द 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर y, राइट? तो इसको क्या किया हमने, रिवर्स इस पूरी इक्वेशन को उसका रेसिप्रोकल ले लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल लिया बेसिकली, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें अब रैशनलाइज कर दोगे आप, तो इसको जैसे ही अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस चीज को हम a टू द पावर माइनस वाई भी लिख सकते हैं, और देखिए न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस वाई। तो ऐसा है ना, ये खत्म हुआ और माइनस बच रहा है, तो माइनस की वजह से वहाँ साइन चेंज हो जाने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एक्स, एंड ये प्लस का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
equals to a to the power minus y, right? Let's say it is equation second. अब हमें क्या है इनवर्स करना था, तो इनवर्स करना था तो हमें क्या करना था, x को y के टर्म्स में लिखना था. तो ये रूट प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये x भी है और रूट वाला वैल्यू भी है. तो उसको हम कैसे सेट करें कि खाली सिंगल x को पूरा y के फॉर्म में हमें लिखना है, तो वो बड़ा मुश्किल काम है. तो उसके लिए एक और इसके लिए ये काम करना पड़ रहा है कि देखिए इक्वेशन देख रहे हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट में ये ऐसा है, सेकंड में ये. तो बोलिए हम क्या ऐसा कर दें कि ये में से दोनों में से x खाली आ जाए. तो x आने के लिए इसको माइनस कर देता हूँ मैं. इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट. तो माइनस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस ये जो है माइनस होने में कट जाएगा, इक्वल्स टू ए टू द पावर वाई माइनस ए टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा, और एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर वाई माइनस ए टू द पावर माइनस वाई बाई टू हो जाएगा. एंड सो फिर हमने मेथड सीखा है, एक्स को उठा के आप एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख देंगे, एंड दैट कैन बी रिटर्न एज ए टू द पावर वाई माइनस ए टू द पावर माइनस वाई बाई टू, और यू कैन राइट द इनवर्स एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, बाकी वेरिएबल एक्स के लिए उसको लिख देते हैं. मैंने बताया था आपको कि दैट कैन बी रिटर्न एज ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स बाय टू. दिस इज हाउ वी गेट द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, राइट. एंड यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को मैं कैसे वो क्यों बोल रहा था कि ये याद रखना है, और सब में काम हो जाता है आसानी से. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सीखने का था कि जब हम ये वाला इक्वेशन बनाते हैं ऐसा, तो उसके बाद में बोला खाली एक्स को वाई के टर्म्स में लिखना था, तो एक एक्स प्लेन है और दूसरा रूट के अंदर है, तो उसमें से एक्स कैसे हटे, खाली एक्स का वैल्यू वाई के टर्म्स में बने ऐसा. तो उसका ट्रिक ये था कि यहाँ हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, इसको रेशलाइज किया, और रेशलाइज करने पे ये पोजीशन बनी थी. इसमें फिर हमने इक्वेशन वन से टू को माइनस किया, तो देखिए रूट वाला अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर गायब हो गया, ये बचा, तो अब खाली एक्स जो है आपका एक्सप्रेस हो रहा था इसमें, तो हम इसको लिख पाए और इस तरह से उसका इनवर्स लिख पाए. सो ये इस तरह से पॉसिबिलिटी बनी. तो ये वाले जो चीज़ें हैं, ये वाला पॉइंट सीखने का है कि ये इसमें डायरेक्ट नहीं होता है, रेसिप्रोकल कर लो पहले, फिर रैशलाइज कर दो, और उसके बाद में इसको आगे वर्कआउट हो जाएगा. बस वही बात याद रखने की. और ये एक बार आपने इसको, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये परमानेंटली याद हो जाता है, इसमें कुछ भूलने का हिसाब किताब नहीं रहता बिल्कुल भी. ये समझ में आ गया, मान लीजिए आपने प्रॉपरली देख लिया, एंड यू कैन अंडरस्टैंड 100% एक ही बार में उसको समझ जाएंगे. अगर आप के अंदर प्रॉपर क्यूरियोसिटी है, तो देर इज़ नो नीड टू गो सेकेंड टाइम इन टू द सेम क्वेश्चन, राइट. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं.